ग्वालियर में खराब जर्जर गड्ढों की वजह से रास्ते में खंडित हुई गणेश प्रतिमा की अप्रिय घटना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और निगम के जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। ग्वालियर में खराब सड़कों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों खराब जर्जर गड्ढों की वजह से गणेश प्रतिमा जो रास्ते में गिर के खंडित हो गई थी, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ग्वालियर यूनिट के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मूर्ति खंडित होना हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। इस घटना से हिंदुओं की भावना बेहद आहत हुई है। उन्होंने निगम के जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्यवाही करने के साथ ही टूटी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की है। आज आम आदमी पार्टी पिछले काफी समय से लगातार ग्वालियर में टूटी सड़कों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और उन प्रदर्शनों पर पिछली तारीख को 27/8 को जन सुनवाई में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम कमिश्नर साहब का घेराव कर ज्ञापन एक सौंपा था और उस ज्ञापन में विद फोटोग्राफ जहाँ जहाँ कम से कम 25 से 30 रोड हैं जो पूरी तरह टूटी हुई हैं, गड्ढे गड्ढे हैं, पानी भरा है, कचरा है, उन सब के फोटोग्राफ नगर निगम कमिश्नर साहब को ज्ञापन के साथ संलग्न किए थे। लेकिन उसके बावजूद उन रोडों पे आज 15 दिन हो गए, कोई खास काम नहीं हो रहा न चल रहा। रविवार को हम सब ने देखा कि हमारे इष्ट देव गणेश चतुर्थी का महोत्सव है, गणेश जी की भगवान प्रतिमा खराब रोडों टूटी रोडों के कारण टूट के गिर के खंडित हो गई, जिससे हिंदू समाज, मैं हिंदू होने के नाते मैं भी आहत हुआ हूं। और आज ज्ञापन के माध्यम से हमने नगर निगम कमिश्नर साहब को उन पे दोषी जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।